लूंगा, लेकिन मैं आपसे बस यही कहूंगा कि आप डायरेक्ट कोरिया का वीजा फ्रेश पासपोर्ट पे ना लगवाएं, आप दो तीन कंट्री जो है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मैं हूं फैजान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एफजी ब्लॉग। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो है बात करने वाले हैं साउथ कोरिया के वीजा के बारे में। तो पिछली वीडियो जो है आपने देखी थी कि मैंने जो है अपनी फाइल कोरिया के वीजा के लिए मैंने BFS में सबमिट की थी 10 जनवरी को। तो आपने जो है इस वीडियो पर काफ़ी अच्छा जो है रिस्पॉन्स दिया, काफ़ी जो है प्यार दिया उस वीडियो पर, और काफ़ी सारे जो है भाइयों के कमेंट भी आए मेरे पास कि मेरा वीजा लगा है कि नहीं लगा है। तो वही सब जो है उसी टॉपिक पर लेकर जो है आप जो है बात करने वाले हैं। मैंने आपसे जो है कहा था कि मैं बहुत जल्द एक वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, तो जो है फाइनली आज जो है मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा रिजल्ट था वो आ गया है और जो रिजल्ट था वो मेरे जो है हाथ में है दोस्तों। ये तो मैं आपको बताऊंगा कि कितने दिन में जो है मेरे पास आया है। तो दोस्तों, ये 16 जनवरी को मेरे पास अपडेट आ गया था कि आपका वीज़ा जो है वो डिनाई हो गया है दोस्तों, मेरा जो वीज़ा है वो कोरिया का नहीं लग पाया दोस्तों। तो इस बात का मुझे कोई अफसोस कोई गम नहीं है, क्योंकि जिंदगी रही तो दोबारा जो है जाएंगे, लेकिन इस बात से जो है एक सीख मिली है दोस्तों। ये बहुत ही इंफॉर्मेशन और बहुत ही खास टॉपिक है आप लोगों के लिए कि अगर आप कोरिया का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो आप जो है कोरिया का वीज़ा एकदम डायरेक्टली अप्लाई ना करो, क्योंकि मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ। कोरिया का जो वीज़ा होता है दोस्तों, वो एम्बेसी आपको एकदम डायरेक्ट वीज़ा नहीं दे पाएगी। आपकी चाहे 2 साल की ITR हो या आपका बैंक बैलेंस स्ट्रांग हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये BFS ग्लोबल का है, बाकी जो है इसमें मेरा सारा एड्रेस वगैरह है। मैं अब ये तो जो है अपना हाइड कर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। इसमें जो है नंबर वगैरह भी सब मेंशन किया होता है, इसके अंदर जो है मेरा पासपोर्ट आया है। और इसके कोरियर के चार्ज जो है वो 500 रुपये लगे थे। और इस वक्त मैं बता दूं, मैं दोस्तों अभी दिल्ली में हूँ, आप देख रहे हैं CP है पूरा, मैं अभी CP में ही हूँ। मेरा पासपोर्ट तो मेरे घर पर आ गया था, लेकिन एक ज़रूरी काम के लिए मुझे फिर से दोबारा दिल्ली ही आना पड़ा। तो बहुत जल्द दोस्तों अपनी हमने कोशिश की है, हार जो है वो दोस्तों नहीं माननी हमें, हार जो है दोस्तों वो हम नहीं मानने वाले हैं। हमने जो है एक नई कंट्री के लिए अपना वीज़ा बनने के लिए दिया है। बहुत जल्द जो है आपको उससे रिलेटेड भी वीज़ा जो है वीडियो मिलेगी कि मेरा अब क्या अपडेट रहेगा। जो भी अपडेट होगा मैं आपको जो है सही इन्फॉर्मेशन दूंगा, लेकिन मैं आपसे बस यही कहूँगा कि आप डायरेक्ट कोरिया का वीज़ा फ्रेश पासपोर्ट पर ना लगवाएं। आप 2-3 कंट्री जो है विजिट कर लो, उसके बाद जो आपको इजिली कोरिया का वीज़ा मिल जाएगा। तो बस दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। और मैं आपको बता दूं कि मैंने एक आज जो है एक बहुत खास बंदे से मिला था, जिसे आप लोग जानते होंगे, शुभनीत मक्कर जिनका नाम है, जो कि अभी साउथ कोरिया से वापसी आए हैं। उनसे मैं आज मिला हूँ, उनके साथ भी मैंने एक जो है प्रॉपर वीडियो बनाई है। तो वह भी वीडियो भी बहुत जल्द जो है आने वाली है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आप जो है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी वीडियो आपको ईजिली मिल जाए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय।